नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत में आपका दोस्त विवेक गुप्ता। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे थे। कल भी मैंने एक रेट्रो प्लानर के ऊपर वीडियो अपलोड किया, वहाँ भी एक दोस्त ने मैसेज किया कि यदि कोई प्लानट किसी पर्टिकुलर राशि हाउस में लगन चार्ट में हो लेकिन चलित में चेंज हो जाए तो हम उसे किस तरह समझें उसके फल को। और ख़ासकर जो दोस्त मेरे नए नए एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखी और शुरू की, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी सीखना, उनके सामने भी ये प्रश्न हमेशा आता है कि अब क्या करें, चलित में जो प्लेसमेंट है प्लैनेट की वो चेंज हो गई। तो मैं ये वीडियो आज का आपकी उन्हीं जो शंकाएं आपके दिमाग में थी तो सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। सो इस वीडियो में ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से, मित्रों से, खासकर उनसे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ कर लें। जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पे, चाहे वैदिक हो या केपी एस्ट्रोलॉजी, आप उसे मिस ना कर पाएं। चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। लगन और चलित कुंडली दोनों ही जन्म के समय ग्रहों की भाव और राशियों की स्थिति बताती है। लगन और चलित कुंडली किसी किसी व्यक्ति की बिल्कुल एक जैसी ही होती है। कोई ग्रह राशि लगन नहीं बदलता, जबकि किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन और चलित कुंडली में ग्रहों की राशि और भाव की स्थिति बदल जाती है। ऐसी स्थिति में जब ग्रह आपस में जो संबंध बनाकर कोई शुभ या अशुभ योग बनाते हैं तो यही प्रश्न सबसे पहले मन में आता कि योग ग्रह बना रहे हैं और उनका फल अब लगन कुंडली के अनुसार देखें या चलित के अनुसार। सो सबसे पहले मैं जो एक बात कहना चाहता हूँ उसे आप प्लीज़ नोट कर लें कि लगन कुंडली से ग्रह की राशि स्थिति देखी जाती है दोस्तों, कि ग्रह किस राशि में बैठा है। साथ ही चलित कुंडली से ग्रहों की भाव स्थिति देखी जाती है कि ग्रह किस भाव में बैठा है। जो दोस्त मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह इलम है। वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ग्रह जन्म चार्ट में किस भाव में किस राशि में बैठा, चलित में कहाँ चला गया वो, ठीक है ना, और उसी हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि जैसे बृहस्पति जन्म लगन जो हमारी कुंडली जैसे राशि चार्ट भी कहते हैं, लगन हो धनु और उसी धनु राशि में वो बैठा हो और चलित कुंडली में दूसरे भाव मतलब मकर में ट्रांसफर हो जाए वो, तब ऐसी स्थिति में गुरु लगन कुंडली के लगन मतलब पहले भाव में धनु राशि में होने से फल जो है धनु राशि के अनुसार देगा। उस मतलब जो भी उसकी क्वालिटी है ना दोस्तों वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो कहने का मतलब जितना बल बृहस्पति को धनु राशि में मिलता है उस बल के अनुसार, लेकिन चलित में वह दूसरे भाव और मकर राशि में होने पर फल चलित कुंडली अनुसार दूसरे भाव के देगा, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आप समझें। मैं दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ, उस शायद क्लियर हो जाए आपको। मान लीजिए गुरु चंद्र की युति संबंध लगन कुंडली में बन रहा है जिस कारण से गज केसरी योग जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छा एक योग है, ठीक है ना, लेकिन चलित कुंडली में गुरु चंद्र दोनों अलग अलग भाव में चले जाएं वो, तो अब गज केसरी योग जो लगन कुंडली में बनने पर बहुत ज़्यादा मतलब हम समझते थे कि इतना अच्छा रिजल्ट देगा वो, अब वो योग निष्प्रभावी होगा, अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। और दूसरी स्थिति में लगन कुंडली में चंद्र गुरु दोनों एक दूसरे से अलग अलग भाव में हो, जैसे कि मान लो कि गुरु फिफ्थ में चंद्र जो है वो सिक्स में हो लेकिन चलित में गुरु चंद्र दोनों फिफ्थ में एक साथ युति बनाकर बैठ जाएं, तो अब गज केसरी योग जो है लागू होगा और जातक को चलित में बनने वाली स्थिति के अनुसार अपना जो है फल देगा वो। इसी तरह दो या दो से ज़्यादा ग्रहों के बीच कोई अशुभ संबंध जन्म लगन कुंडली में बन रहा हो, है ना, लेकिन चलित में वह अशुभ संबंध जो है बनाने वाले जो ग्रहों का जो संबंध वो आपस में टूट जाए चलित में, ठीक है ना, वह ग्रह अलग अलग भाव में चले गए हों, तब ऐसा अशुभ संबंध आप मान के चलिए कि वो भंग हो गया। जैसे चंद्र गुरु राहु तीनों एक साथ जन्म लगन जो कुंडली के दसवें भाव में हों, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि चलित में ये जो तीनों ग्रह हैं वो अलग अलग भाव में चले जाएं, जैसे कि मान लो कि मतलब इनका संबंध टूट जाए, जैसे गुरु की टेंथ में चला जाए, राहु इलेवेंथ में, चंद्र नाइन्थ में चला जाए, तो अब लगन कुंडली में जो आपका ना वो बन रहा था गुरु चंडाल योग या चंद्र ग्रहण, ठीक है ना, जो अशुभ योग था अब वो भंग हो जाएगा। और तीनों ग्रह जिसमें गुरु टेंथ, चंद्र नाइन्थ
राहु 11th, अब ये तीनों उन भावों के फल देंगे। इस तरह से ग्रहों के बीच संबंध, ग्रहों की भाव स्थिति, ये सब चलित कुंडली अनुसार देखी जाती है दोस्तों। जन्म लग्न कुंडली अनुसार ग्रह की राशि स्थिति देखनी चाहिए। यदि ग्रह लग्न और चलित दोनों ही कुंडली में उसी एक ही भाव और उसी राशि में है, तब फल लग्न कुंडली अनुसार देखें या चलित अनुसार देखें, एक ही उसका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। अधिकतर शुभ अशुभ योगों का अध्ययन जो है ना, केवल जन्म लग्न कुंडली से देख लिया जाता है। चलित कुंडली में ग्रह की भाव स्थिति नहीं देखी जाती, जिस कारण ग्रह से बनने वाले योग और भाव में ग्रह की जो स्थिति है के फल में अंतर आ जाता है। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल से बड़ा सिंपल समझाता हूँ। मेरे पास एक चार्ट आया नेटिव को ही लेके, सरकारी जॉब में है। अब मेरे को लग्न याद नहीं उसका क्या है, मैं ये बता देता हूँ कि उसका राहु जो था 5th हाउस में था। तो अभी पीछे वो चल रहा था IPL, ठीक है ना, ओ सॉरी IPL का बिग बैश चल रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया में जो IPL चलता है। तो उसको बैटिंग करने का बड़ा शौक था, तो उसने मेरे से पूछा, मैं जी बैटिंग करता हूँ तो मुझे बताइए जी, मेरा राहु की दशा चल रही है, 5th भाव में राहु बैठा हुआ है, तो अब ये रिजल्ट कैसा देगा। अब उसने सुन रखा था कि राहु त्रिकोण भाव में है, शुभ दृष्टि में आ रहा है जी, जो चार्ट के हिसाब से होगी। जब मैंने उसका चलित देखा, राहु की जो प्लेसमेंट थी वो 4th में शिफ्ट हो गई थी। इसका मतलब अब क्या हुआ, अब बैटिंग में वो हारेगा। हारेगा क्यों हारेगा, क्योंकि बैटिंग का भाव जो है 5th भाव है और राहु की दशा चल रही है। राहु 4th में शिफ्ट हो गया चलित में, मतलब अब 5th से वो 12th होगा। कोई भी प्राइम हाउस से कोई प्लैनेट हम देख रहे हैं, किसी शादी देख रहे हैं, डिवोर्स देख रहे हैं, कुछ भी ABC हम किसी घटना पे इवेंट पे प्रिडिक्ट करना है, यदि वो प्राइम हाउस को देने वाला जो प्लैनेट है अपने से 12वें भाव में चला जाए तो नेक्स्ट भाव की वो हानि करता है। सो शायद आप इस तरह समझ जाएंगे कि अब उसमें 4th में शिफ्ट होने की वजह से राहु अब 5वें भाव का रिजल्ट जो है, फल जो है नहीं दे पाएगा, लेकिन गुण उसके राहु के अंदर वही रहेंगे जो 5th भाव में है, 5th भाव और 5th भाव में बैठी राशि के। सो उसका इंटरेस्ट उस तरफ था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला उसको पॉजिटिव, रिजल्ट उसको नेगेटिव मिला। अब आप अच्छी तरह समझ जाएंगे चलित और लग्न के आपस में जो कुंडलियाँ हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक चीज़ मैं और ज़्यादा यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ग्रहों का राशि बल और सुप्ता की गहराई से जांच करने के लिए D9 का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए, तब ही ग्रहों के बल और सुप्ता की ठीक से जानकारी हमें मिल पाएगी। सो मैंने बड़ा खुलकर लग्न कुंडली वर्सेस चलित कुंडली के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं है। सो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो का लिंक जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पर गोरख धंधा चलता है ये बंद हो सके। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।